जय हिंद दोस्तों, 100 बात की 1 बात। जिसको मेरे वीडियो पसंद नहीं है ना, अपनी और किधर जाके गांड मराओ। हाँ, किधर जाके अपनी गांड मराओ। भाऊ ये बोलता है, भाऊ वो बोलता है, भाऊ के गांड में ताकत है इसके लिए भाऊ बोलता है। तुम्हारे गांड में ताकत नहीं है ना, नहीं है ना, घर में बैठो ना चुपचाप। हाँ, या ताकत बताओ ना, आके बोल के दिखाओ ना मादर चोदो। नहीं है ना, बैठो ना गांड में दबा के। फिर मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले जब तुम्हारे गांड में आलू डालते तो फिर मेरे फैंस लोग को बोलने का, भाऊ भाऊ भी वैसा, भाऊ के फैंस भी वैसे। गांड में उंगली मत करो तुम लोग, नहीं गाली देंगे उन लोग भी तुम्हारे को। हाँ, नहीं गाली देंगे। अपनी गांड मराने मत आया करो, गांड मराने आएंगे तो तुम्हारे गांड में आलू डालेंगे। हाँ, तो नहीं पसंद है, मेरे से दूर रहो, मेरे वीडियो से दूर रहो, मेरे फैंस लोगों से दूर रहो। हाँ, त्रिपुरा में 17 साल की बच्ची के ऊपर कुछ 5 मादरचोदों ने रेप किया। अभी अभी मेरे को वो मैसेज आया, 5 लोगों ने उसका कुछ रेप किया 17 साल की बच्ची के ऊपर। वो 5 लोगों के नाम है, काशिम मिया, जाहिद मिया, अहमद अली, गनी मिया और एक पर्सन है उसका नाम नहीं मिला अभी तक। ये 5 लोगों ने उसके ऊपर रेप किया। वो डिटेल देना पड़ता है इन लोग को, बहुत चोदम पट्टी करने के लिए आ जाते। इसको डिटेल मालूम नहीं, इसको कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे को मालूम है, तुम लोग अपनी गांड मारो ना भेड़ चोद, डिटेल मालूम है तो चुप बैठेंगे घर पे मादर चोद, और आएंगे उंगली दिखाने मादर चोद के बच्चे, भेड़ चोद साले। भगाओ इन लोग को, मादर चोदों को। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? मैं यहां के मेरे हिंदुस्तान के लड़कियों को बोलता हूं, ये कब तक चलेगा? कोई एक भड़वा आके आपको आंख ऊपर करके देखेगा, आपको छेड़ने की कोशिश करेगा, आपको सताते रहेगा, कब तक ये चलेगा? चुप बैठोगे क्यों? इस देश में झांसी की रानी भी हो चुकी है, बड़े बड़े हो चुके, क्यों? आप भी झांसी की रानी हो, आप लोग भी खड़े हो ना, मारो ना सालों को। जब ऐसा लगता है ना कि ये गलत नजर से देख रहा है, तभी कान के नीचे खींचो ना मादर चोदों को। क्यों चुप बैठते हो तुम लोग, क्यों? या ऐसे ऐसे भड़वे लोगों का इंतजार करते हो कि ये फिर आपके साथ कुछ होने के बाद कैंडल मार्च निकाले, इंसाफ के लिए आपके घर वालों को भीख मांगना पड़े, इसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? फिर ये ऐसे भड़वे आएंगे, कोई आपके लिए कुछ बात करना चाहता है, आपके लिए इंसाफ के लिए कुछ आवाज उठाना चाहता है, तो ऐसे भड़ जाएंगे फिर कि तुम्हारा ये भाई गाली देता है, तो ऐसे जो रेपिस्ट लोग हैं उनकी पूजा करूं, अगरबत्ती लगाऊं, क्या करूं? डिटेल मांगने आ जाते हैं मादर चोद, अपने बाप के बाद डिटेल मांगो ना, परफेक्ट है क्या? अभी बस करो, ये मेरे हिंदुस्तान के सारे बहन बेटियों को बोल रहा हूं, अभी बस करो। आप कमजोर नहीं है, आप लड़कियां कमजोर नहीं है, आवाज उठाओ आप लोग भी, मारो सालों को जो भी ऐसा लगता है ना कि आपको गलत नजर से देख रहे, बदतमीजी से
हरकत करने की कोशिश कर रहा है, कुछ गलत करने का कोशिश कर रहा है, मारो सालों को। कब तक चुप बैठोगे आप लोग? हाँ, बहुत सारी तो बहन बेटियां ऐसी है जो ये सोचती है कि साला बता देंगे किधर तो बदनामी होगी घर वालों की। तो इस वजह से ना, इसके वजह से ना, ये ऐसे हराम लवड़े को, ऐसे मादर चोदों को ना ताकत मिलती है, फिर वो और एक कोई लड़की शिकार हो जाती है उसकी। कि उनको पता है कि अभी इसके साथ ऐसा किया, ये कुछ नहीं किए, तो दूसरी कोई ना कोई बहन बेटी ना उनका शिकार बन जाती। तीसरी बात, मोदी जी आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कानून निकालो, ऐसा कुछ तो निकालो कानून। सालों साल चलते रह रहे हैं, सालों साल चलते जा रहा है, बस केस के ऊपर केस होती जा रही है। तब तक क्या, जिसके बिचारे के ऊपर रेप हुआ है उनके घर वालों को धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, फिर वो केस खत्म हो जाती है। कुछ तो कायदा निकालो, ऐसा कानून निकालो। और आप लोग भी मत चुप बैठो, अभी आवाज उठाओ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ। बहुत ऐसे लोग हैं आपके शहरों में जो इंसाफ दिलाना जानते हैं। कुछ मादरचोद रहते हैं मादरचोद, कुछ लोग, हर कोई नहीं है। आवाज तो उठाइए आप, तो पता चलेगा लोगों को ना कि आपके साथ गलत हो रहा है। और अभी ये ना नया हिंदुस्तान है, ये कैंडल मार्च बंद करो, अभी बस करो कैंडल मार्च। अभी ऐसा इंसान कोई मिलता है ना, उसको लाओ बीच चौराहों पे, पुलिस स्टेशन पे पहला लेके जाने की जरूरत नहीं, पहला लाओ, पहला कुत्ता बनाओ। क्योंकि आज ये बेटी के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है उसके साथ भी होएगा। इसलिए आज आवाज नहीं उठाया ना तो कभी नहीं उठा पाएंगे, फिर तुम्हारे पास आएगा सब। इसलिए आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। मेरी बात कड़वी है मगर सच्ची है। बुरा लगा तुम लोग को मेरे घंटे से, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको आपके तरीके से बोलना आता है तो बोलो, मगर कोई बोलता है उसके ऊपर उंगली मत उठाओ। खुद के लिए नहीं बोलता, दूसरों के लिए आवाज उठाता हूं और उठाते रहूंगा मैं। जिसको मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, हाँ फर्क नहीं पड़ता है। जितना हो सके ये त्रिपुरा की जो बच्ची के साथ हुआ है, त्रिपुरा के लोग उसको सपोर्ट करिए, उसके फैमिली को सपोर्ट करिए। कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अपने घर में भी है बहन बेटियां, तो कम से कम उनका चेहरा देख के ये सोच लो कि ये भी तुम्हारी बहन है, ये भी तुम्हारी बेटी है। तो ये आवाज उठाओ आप, और उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करो। जय हिंद।